भीगा गांव में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को रोकने के लिए स्थानीय व्यापारियों ने प्रशासन के साथ मिलकर मंगलवार को पूरा लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा रविवार पूरे प्रदेश में टोटल लॉकडाउन का निर्णय लिया है, लेकिन मंगलवार को भीकन गांव हाट बाजार होने से ग्रामीण क्षेत्र के बहुत लोग आते हैं, जिससे बाजार में अधिक भीड़ होने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए मंगलवार को टोटल लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। भीकन गांव शहर अब सप्ताह में 2 बार पूर्णतः बंद रहेगा। नगर परिषद प्रभारी CMO मनोज गंगराड़े ने कहा कि दुकान खोलने पर 1,000 रुपए का दंड व बगैर मास्क के घूमने पर 100 रुपए का चालान बनाया जाएगा। वहीं नगर बंद के दौरान बेवजह घूम रहे 14 लोगों पर चालानी कार्यवाही की गई। भीकन गांव से प्रवीण गंगराणे की रिपोर्ट। कल थाना परिसर में निर्णय लिया गया था व्यापारियों द्वारा कि कल मंगलवार के दिन संपूर्ण मार्केट बंद रखा जाना है, और उन्हीं की जो है मंशा अनुसार नगर में मुनादी कराई गई थी कि कल सभी दुकानें मेडिकल स्टोर छोड़कर सभी दुकानों को बंद रखा जाना है, और यदि दुकान खुली पाई गई तो 1,000 रुपये का अर्थदंड वसूला जाएगा, और जो बिना मास्क के घूमते पाए जाएंगे उन पर भी 100 रुपये का जो है अर्थदंड वसूला जाएगा। नगर परिषद द्वारा कोई चालानी कार्रवाई की गई? आज लगभग 14 लोगों को से वसूली की गई, अर्थदंड वसूला गया।